कृष्ण
जिसने दुनिया को बनाया वो स्वयं कहते हैं ब्रह्मालय के साथ। ये संसार दुख का घर है, केवल दुख का घर यहाँ पर है, इसलिए हम जीवन में उतना सुखी बनेंगे जितने प्रभु के चरण में अपना मन लगाएंगे। जितना ये दुनिया में लगा उतना पैसा पैसा पैसा। इसलिए श्री नारद जी बोले प्रभु हरि बिनु होकर सुख नहीं पावा, भगवान से बिनु होकर कोई सुखी नहीं रह सकते प्रभु। इसलिए जब तक कोई सेवा नहीं करे इसलिए प्रभु आप कृपा करना नीचे बड़ी आपको जीव सेवा करे, सेवा करके जीव का कल्याण हो। बोले पिता वैकुंठ में मैं हूँ, बोले वैकुंठ को कौन देखा है, सुना कोई वैकुंठ का नाम है, बोले प्रभु और क्या नहीं चाहिए, बोले देखो ये ब्रह्मांड में के एक रहा वैकुंठ है, बोले वहां पर भी मैं हूँ, बोले प्रभु किसने वो वैकुंठ में देखा, बोले मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, बोले स्वर्ग का हमने सुना है स्वर्ग कोई देखा, लेकिन हमने स्वर्ग देखा नहीं कभी स्वर्ग, प्रभु और क्या नीचे उतर आ, बोले देखो सभी का हृदय में निवास करता हूँ परमात्मा रूप में। इसलिए भागवत ने बताया एक वृक्ष की दो टहनियां में उसमें दो तोता बैठा था, एक तोता खट्टा मीठा फल खाता है, एक तोता साथी रूप में देखता है, बोले खट्टा मीठा फल कौन खा रहे हैं, बोले हाँ हकीम कभी सुखी कभी दुखी, लेकिन एक टहनिया में एक तोता बैठ गई थी वो कभी साथी रूप में दर्शन करता है, कहते वो कौन है, ये परमात्मा, ये परमात्मा। इसलिए सभी का हृदय में भी निवास करता हूँ, इसलिए मैं तो हूँ, बोले प्रभु आपको वहां बैठकर हो लेकिन वहां तटस्थ रूप में आप ये सूर्य के रूप में आप इनवॉल्व नहीं हो सकते, आप केवल साथी रूप में प्रभु थोड़ी सी और नीचे उतर के गया। ये ठाकुर जी क्यों जगत में आए, तब ठाकुर जी हमारे घर में जो बाल गोपाल जी है घर में है जो गिरिराज महाराज जी घर में जो राधा कृष्ण मूर्ति है स्वयं भगवान, ये विक्रम का रूप धारण किया, ये ठाकुर जी का रूप धारण किया, बोले क्यों, बोले हम जैसे आत्मा जीवों को सेवा देते हैं हमारे कल्याण करने के लिए। ठाकुर जी इतने नीचे उतर करके आ गए जैसे तुम्हारे घर में ठाकुर जी गोपाल जी का हाथ कर करके हम सिंगार करते हैं, ठाकुर जी को फूल की माला पहनाते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, बोले जिस भगवान को पाने के लिए बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहाँ गिरत कर ध्यानें, लेकिन वो जो भगवान है अभी हमारे घर घर में गोपाल रूप में कृष्ण रूप में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। जितना बार इच्छा हो ठाकुर जी को भोग लगाओ खाओ, जितना बार इच्छा हो दर्शन करो, सगर दर्शन करो, सुगर्ण दर्शन करो, सांस दर्शन करो, जब भी इच्छा हो दर्शन करो, श्रृंगार करो। इसलिए ये जो ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं उसने क्या किया है, ठाकुर जी की घर में वार्षिक उत्सव मनानी चाहिए, जैसे हम अपना बच्चे के हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं उसी तरह घर में जब ठाकुर जी की जन्मतिथि आए, जिस दिन घर में ठाकुर जी को आपने स्थापन किया घर में हरि कीर्तन करा, जैसे हमारे विजय गुरु जी कहा गए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने क्या किया ठाकुर जी की कहा, इसलिए ठाकुर जी की खड़े हो जाओ विजय प्रभु जी की जय, इनकी दीप तो देखो तो सही, इन्होंने सारे संतों को केवल संत नहीं यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया, में कोई फ्रांस से कोई रशिया से कोई यूरोप से कोई कोई उड़ीसा से ब्राजील से कोई ब्राजील से सारे संतों को यूरोप में बुलाया और बुला करके इन्होंने दो काम करते हैं। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो बात अगर जीवन में कोई दो बात कर लेना बस बड़ा पाप है, बोले दो बात क्या करना, बोले दो बात भगवान बताए वैष्णव सेवक और नाम से, बोले दुई का शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, पहला क्या सेवा करनी चाहिए, बोले संतों का सेवा करनी चाहिए, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी बैठे कहाँ, ठाकुर जी कहाँ, ठाकुर जी का निवास है, बोले संतों के हृदय में, ठाकुर जी निवास संतों के हृदय में। इसलिए कृष्णा भगवत गीता में भागवत में कहते हैं अगर मुझे कोई प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर मेरे भक्तों को कोई खुश कर दे ना मैं अपने आप खुश हो जाए, ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाए अगर भक्तों को कोई खुश कर दे, इसलिए हमारे विजय प्रभु जी उन्होंने सारे संतों को बुला रहे हैं भगवान के प्रसाद दिलाएंगे। ये बोले दूसरा काम क्या करना, बोले नाम संकीर्तन,
इसलिए जिसको गोस्वाम तुलसीदास जी कहते हैं बलकली युग के Yeah.